हेलो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल रोम्बस एंड स्क्वायर तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर जो हैं दे आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम सो एज दे आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम तो जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने पैरेललोग्राम की पढ़ी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर में भी एप्लीकेबल होती हैं लेकिन इनके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर सेटिस्फाई करते हैं तो पैलेलोग्राम के अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो पहली प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ रिक्टेंगल आर कॉन्ग्रेट तो रिक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर और कॉन्ग्रेट अब स्क्वायर जो है स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रिक्टेंगल है तो यहाँ पर रिकटेंग स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाई ऑफ इच अदर जो रोम्बस है उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं और उनके बीच एंगल 90 डिग्री भी होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इच अदर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेकट अपोजिट एंगल तो ये आ, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर सेटिस्फाई करते हैं तो रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो सारी प्रॉपर्टीज़ पैलोग्राम की सेटिस्फाई हो गई फिर उसके बाद प्रॉपर्टी है कि डायगोनल रेक्टेंगल के जो होते हैं वो कॉन्ग्रेट होते हैं फिर ठीक है बस ये एक रेक्टेंगल के लिए है रोम्बस के लिए प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल जो होते हैं वो अपोजिट एंगल को बाइसेकट करते हैं और स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर दे आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ इच अदर और डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेकट द अपोजिट एंगल तो जो स्क्वायर है अगेन हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं प्लस इनके डायगोनल इक्वल होते हैं ओके जो रोम्बस है वो पैरोलोग्राम की ठीक है प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करते ही हैं तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ ये आप ध्यान रखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी हम देख लेते हैं बहुत सिंपल सिंपल प्रूफ होते हैं तो आप भी जितने भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर सकते हैं तो पहला थियरम है कि डायगोनल ऑफ़ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रेंट तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए सी और बी डी ये लेंथ में इक्वल होते हैं तो ए सी और बी डी लेंथ में इक्वल होते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ए डी सी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे और ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल में आपका जो ए डी साइड है और बी सी साइड इक्वल है जो ए बी साइड है और ये जो सी डी साइड है ये भी इक्वल है मतलब डी सी साइड और ये ए बी साइड इक्वल है और ये जो एंगल डी है और यहाँ पर एंगल बी है ये इक्वल है नाइन्टी डिग्री है तो ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल सी डी uh, बी सी बी ए ये दोनों कॉन्ग्रंट ट्राइंगल हैं नहीं नहीं ट्रगल कुछ तो गड़बड़ किया मैंने यहाँ पर हमें प्रूफ करना था डायगोनल इक्वल है तो दो ट्रायंगल कंसिडर करने थे जिसमें डायगोनल आएंगे तो एक तो ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ए डी सी ए डी सी ठीक है और दूसरा ट्राइंगल कंसिडर कर लिया डी ए बी डी ए बी अच्छा ये कंसिडर कर लिया तो ये दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो साइड ए डी कॉमन है साइड डी सी या सी डी और बी ए ये इक्वल है और एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री है तो भाई साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे इसलिए डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी ये इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल अगेन वापस से ध्यान दीजिए ट्रैंगल ए डी सी ये ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल डी ए बी ये ट्राइंगल लिया तो ए डी दोनों में कॉमन ये साइड और ये साइड इक्वल और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री इंक्लूडेड एंगल है तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोट है एंड हेंस देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल तो डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी ये इक्वल हो जाएंगे फिर नेक्स्ट थ्योरम है कि डायगोनल ऑफ़ स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट तो जब आप डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल प्रूफ कर रहे हैं तो डायगोनल ऑफ़ स्क्वायर इक्वल प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली सेम स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं जो हमने रेक्टेंगल में यूज़ किया है फिर एक थेरम तो है।, है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ इचेतर तो यहाँ पर रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाई सेक्टर रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो ई एफ साइड और ई एच साइड इक्वल है अच्छा अगर ई एफ और ई एच इक्वल है इसी तरह से जी एफ और जी एच भी इक्वल है तो ये इक्वली हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है अब क्योंकि ई एफ और ई एच इक्वल है तो इसका मतलब जो पॉइंट ई है ये पॉइंट ई एफ एच के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर होगा इसी तरह से पॉइंट जी ये भी एफ एच के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ई जी है ये ई जी एफ एच का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो गया इसी तरह से हम एच ई और एच जी कंसिडर करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि एच ई जी के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर है सिमिलरली एफ ई जी के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर है मतलब ये जो एच एफ है ये ई के परपेंडिकुलर बाई पे है तो फिलहाल आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो ई और ई EH एच है दे आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए राइट याद है आपको प्रॉपर्टी कि अगर आपके किसी सेगमेंट के दो एंड पॉइंट से कोई एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हमने प्रूफ किया है इसे हम और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जैसे दो ट्राइंगल को कांग्रेंट कंसिडर करके भी प्रूफ किया जा सकता है तो यहाँ पर हम एफ ई और ये पॉइंट का कुछ एक नामकरण कर देते हैं ये पॉइंट ओ ले लेते हैं तो यहाँ पर एफ़ ई ओ और एच ई ओ को कांग्रेंट प्रूफ करके हम ये प्रूफ कर सकते थे कि एफ़ ओ और एच ओ इक्वल है और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है फिर इसी तरह से हम ये भी प्रूफ कर सकते थे कि ई e ओ और जी ओ इक्वल है बाकी तो ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा तो ये भी एक तरीका है ये प्रूफ करने का कि रोमस के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर पर्टिकुलर बाई सेक्टर ऑफ विचित्र तो ऐसे ही जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम है कि डायगोनल ऑफ़ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ़ ए सी एट सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ बी ओ एंड इफ़ एंगल सी इज़ थर्टी फाइव डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी तो चलिए पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल ठीक है डायगोनल इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ तो यहाँ पर ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे तो ये ए बी सी डी ए सी की वैल्यू एट सेंटीमीटर है बी ओ की लेंथ फाइंड आउट करनी है और एंगल सी ए डी एंगल सी ए डी यहाँ पर ये एंगल दिया है थर्टी फाइव डिग्री फाइंड आउट करना है ए सी बी ये एंगल फाइंड आउट करना है ए सी बी ये एंगल फाइंड आउट करना है ये थर्टी फाइव है ए सी बी ये एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर क्योंकि रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं सो so, यहां पर ए सी इक्वल टू बी डी होगा ए सी इक्वल टू बी डी रीजन क्या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल आर इक्वल ओके सो ए सी एट सेंटीमीटर है तो बी डी ये भी एट सेंटीमीटर हो जाएगा ए सी इजिगस टू बी डी इजिग्स टू एट सेंटीमीटर अब यहाँ पर बी ओ जो है बी ओ ये हाफ ऑफ बी डी होता है क्योंकि डायगोनल जो होते हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ये अदर। तो हाफ ऑफ बी डी बी डी की वैल्यू यहाँ पर एट फाइंड आउट की हमने तो बी ओ इज इक्व टू फोर बी ओ इज इक्व टू फोर सेंटीमीटर अब एंगल ए सी बी भी फाइंड आउट करना है एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर एंगल ए सी बी जो होगा ए सी बी ये एंगल बराबर होगा एंगल डी ए सी के क्यों क्योंकि यहाँ पर ए डी पैरल टू बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल एंड ये दो एंगल जो हैं वो अल्टरनेट एंगल हैं अल्टरनेट एंगल तो हम जानते हैं कि अगर दो साइड पैरल हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं तो यहाँ पर एंगल ए सी भी इक्वल टू डी ए सी तो ए सी बी ए सी बी इज इक्वल टू डी ए सी डी ए सी की वैल्यू या सी ए डी की वैल्यू कितनी है थर्टी फाइव डिग्री तो दिस इज इक्व टू थर्टी फाइव डिग्री सो देर फॉर फाइनली आंसर यहाँ पर आंसर अगर हम देखें तो आंसर में बी ओ का लेंथ हमें मिला फोर सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी हमें मिला थर्टी फाइव डिग्री सो ये हो गया हमारा आंसर ना सेकेंड प्रॉब्लम है कि इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस इफ पी क्यू सेवन पॉइंट फाइव देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस तो यहाँ पर ये यह हमने ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस इस रोम्बस पी क्यू सेवन पॉइंट फाइव है फाइंड लेंथ ऑफ क्यू आर क्यू आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर पी क्यू आर एस सेंस पी क्यू आर एस इज रोम्बस आपका जो पी क्यू है इजिक्वस टू क्यू आर सारे साइड इक्वल होते हैं तो देर फोर क्यू आर का जो लेंथ है पी क्यू का लेंथ सेवन पॉइंट फाइव है तो क्यू आर इज सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इफ एंगल क्यू पी एस सेवनटी फाइव एंगल क्यू पी एस ये जो एंगल है ये एंगल सेवेंटी फाइव है तो पी क्यू आर का एंगल फाइंड आउट करना है पी क्यू आर ये एंगल क्या होगा और एस आर क्यू फाइंड आउट करना है एस आर क्यू ये एंगल क्या होगा सो so, पहले तो हम एंगल एस आर क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल एस आर क्यू इक्कस टू एंगल क्यू पी एस रीजन क्या है दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ रोमबस तो रोमबस पैरोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फाइन सेटिस्फाई करते हैं तो अपोजिट एंगल्स इनके इक्वल होंगे तो यहाँ पर एंगल एस आर क्यू ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा आपका सेवेंटी फाइव डिग्री ओके सेवेंटी फाइव डिग्री हो गया अब एंगल पी क्यू आर की बात करते हैं तो यहां पर ये लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया अब एंगल ये जो पी क्यू आर है पी क्यू आर तो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एस पी क्यू ये दोनों का एडिशन वन एटी डिग्री होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री ओके सो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया ओके, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली सो देर फॉर फाइनली हम लिखेंगे अच्छा नहीं 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 ओहो सॉरी तो यहाँ पर अभी एंगल तो फाइंड आउट किया ही नहीं थर्ड नहीं सो देर फॉर एंगल पी क्यू आर प्लस सेवेंटी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देर फॉर एंगल पी क्यू आर इज इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम फाइंड द मेजर ऑफ एंगल तो ये कुछ एंगल्स ये हैं ये फाइंड आउट करने स्क्वायर तो यहाँ पर एक स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर का नाम दे देते हैं आई जे के एल डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट पॉइंट है तो इनके जो डायगोनल्स हैं एक डायगोनल ले लिया एक डायगोनल हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पे फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ आई एम जे तो आई एम जे ये एंगल फाइंड आउट करना है सो so, एंगल यहाँ पर क्योंकि मेरा आई जे के एल जो है इज़ अ स्क्वा डेरफोर एंगल आई एम जे जो होगा ये 90 डिग्री होगा जे आई के जे आई के ओके ये वाला एंगल तो पहले तो ये नाइन्टी डिग्री होगा इसका रीजन क्या होगा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ इच इधर क्या डायगोनल ऑफ स्क्वायर दे आर परपेंडिकुलर पेडिकुलर ऑफ इच इधर जे आई के एंगल जे आई के की अगर हम बात करें तो डायगोनल्स अपोजिट एंगल को बाइसेकट भी करते हैं तो यहाँ पर एंगल जे आई के जो होगा इट विल बी हाफ ऑफ एंगल जे आई एल रीज़न है कि डायगोनल जो होते हैं डायगोनल बाइसेकट अपोजिट एंगल ओके डायगोनल क्या करते हैं अपोजिट एंगल को बाइसेक करते हैं तो जो जे आई के है ये हाफ ऑफ यहाँ पर 90 डिग्री क्योंकि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री तो दिस बिकम 45 डिग्री तो so, ये सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया और थर्ड पार्ट है एल जे के एल जे के तो बस एल जे के भी इसी तरह से हो जाएगा एंगल एल जे के जो है इट इज हाफ ऑफ एंगल एल जे के इट इज हाफ ऑफ एंगल आई जे के विच इज हाफ ऑफ नाइन्टी डिग्री अगेन रीजन सेम है कि डायगोनल जो होते हैं दे बायसे अपोजिट एंगल तो यू कैन राइट दिस रीजन ओके यू कैन मैंशन दिस रीज़न ओके तो हमने फाइंड आउट कर लिया एक एंगल ये नाइन्टी डिग्री है ये फोर्टी फाइव डिग्री है और यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी फोर्टी फाइव डिग्री है डायगनल ऑफ रोम्बस आर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी वन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द साइड ऑफ रोमबस एंड इट्स पेरीमीटर सो रोम्बस की अगर हम चर्चा करें तो ये रोमबस डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाई करता है तो ए बी सी डी एक डायगोनल है 20 सेंटीमीटर और एक है 21 सेंटीमीटर तो यहाँ पर एक तो ए बी सी डी जो है ए बी सी डी इज रोम्बस और फिर यहाँ पर इसमें बी की वैल्यू हम ले लेते हैं ट्वेंटी सेंटीमीटर और ए की वैल्यू ले, ले लेते हैं ट्वेंटी वन सेंटीमीटर ओके अब डायगोनल परपेंडिकुलर बाई होते हैं तो देरफोर ये ये पॉइंट सपोज सपोज एम है तो देर फोर यहाँ पर एम जो होगा एम विल बी हाफ ऑफ ए सी एक्कस टू हाफ ऑफ ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टू सेंटीमीटर और यहाँ पर बी एम जो होगा बी एम इट इज हाफ ऑफ बी डी इज इकस टू हाफ ऑफ ट्वेंटी इज इकस टू टेन सेंटीमीटर तो आपका बी एम टेन सेंटीमीटर है एम ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टू सेंटीमीटर है और ट्राइंगल एम बी में एंगल एम नाइन्टी डिग्री है एंड ट्राइंगल एम बी एंगल एम जो है ये नाइन्टी डिग्री है देर so, फॉर पाइथागोरस पैथागोरसरम अप्लाई करेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका जो ए बी स्क्वायर है का A, एंगल एम 90 डिग्री है तो ट्राइंगल ए एम बी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ए बी स्क्वायर इज इक्व टू तो एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्व टू एम स्क्वास टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर सो ए एम की वैल्यू ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टू स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर सो देर फॉर ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है फोर फोर्टी वन डिवाइड बाई फोर प्लस टेन का स्क्वायर होता है हंड्रेड सो दिस इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर फोर वन प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हंड्रेड हो जाएगा डिवाइड बाई फोर टू एट फोर्टी वन डिवाइड बाई फोर ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो ए बी की वैल्यू निकालनी है तो एट फोर्टी वन का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देर फोर ए बी एज़ स्क्वायर रूट ऑफ एट फोर्टी वन डिवाइड बाई फोर अब ये एट फोर्टी वन का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है तो क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर कैसे करते हैं हम एट फोर्टी वन लिखेंगे यहाँ पर पेयर बनाएंगे थ्री थ्री जा नाइन विच इज़ मोर देन एट तो थ्री नहीं लेंगे टू लेंगे टू टू दा फोर यहाँ पर फोर आ गया फोर फोर्टी वन ये टू का डबल टू यहाँ पर ऐड कर देंगे फोर अब फोर फोर्टी वन के लिए एक तो नाइन के टेबल में आता है नाइन से ज़रा ट्राई करके देखते हैं नाइन नाइन ज़ा एटी वन एट कैरी नाइन फोर दा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस एट इज़ फोर्टी फोर पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है सो ट्वेंटी नाइन सो यहाँ पर ये जो ए बी है ये डिमिनेटर ट्वेंटी नाइन होगा और डिनोमिनेटर टू होगा एट फोर्टी वन का स्क्वायर रूट ट्वेंटी नाइन और फोर का स्क्वायर रूट टू सो ए बी हमें मिल गया ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाई टू एज इक्व टू टू वन द टू टू फोर द एट टू फाइव द टेन फोर्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये ए बी की वैल्यू आ गई सो ए बी की वैल्यू जो होगी वही बाकी सब साइड्स की वैल्यू होगी देन फाइंड द साइड्स ऑफ फ्रम्बर सो देर therefore sides of rhombus sides of rhombus is फोर्टीन to 14.5 सेंटीमीटर ओके चलिए लास्ट एक प्रॉब्लम की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पर यह आपने देखा कि आपको दिया हुआ है एक रोमबस और आपको उसकी साइड फाइंड आउट करनी है इन्होंने डायगोनल के लेंथ दे रखे हैं तो डायगोनल की लेंथ दे रखे हैं तो हमें हाफ ऑफ डायगोनल्स के लेंथ मिल जाते हैं और ट्राइंगल जो फॉर्म होता है राइट right एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है और हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स डिस्कस करना है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स पहला है एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस ट्रू है या फॉल्स है बोलिए फॉल्स है भाई एवरी पैरोलोग्राम रोमस थोड़े ही होता है रोमबस का मतलब सारे साइड इक्वल होंगे पेरोलोग्राम में ऐसा जरूरी नहीं है एवरी रोम्बस इज ए रेक्टेंगल देखिए ये भी फॉल्स है क्योंकि रोम्बस रेक्टेंगल में जरूरी है कि हर एंगल 90 डिग्री हो रोम्बस में ये जरूरी नहीं है एवरी रेक्टेंगल इज ए पेरोलोग्राम यस ये ट्रू है हर रेक्टेंगल पेरोलोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिसफाई करता है एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ये भी ट्रू है हर स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है एवरी स्क्वायर इज ऐ रोमस ये फॉल्स है क्योंकि रोमस में सारे ही एंगल जरूरी नहीं कि नाइन्टी डिग्री हो तो एवरी स्क्वायर इज अ रोमस गलत स्टेटमेंट है एवरी पैरोलोग्राम इज अ रेक्टेंगल सो अगेन ये फॉल्स है हर पैरोलोग्राम रेक्टेंगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है एवरी पैरोलोग्राम इज अ रेक्टेंगल नो एवरी रेक्टेंगल इज ऐ पेरोलोग्राम अगर हम बोले तो ये बात सही लगती है कि हर रेक्टेंगल पैरोलोग्राम है तो ये कुछ ट्रू फॉल्स थे तो आपने अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से समझी है तो इजीली ये सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपके दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है ओके राइट है दाया बाया राइट right? दाहिना राइट right हैंड बाया लेफ्ट हैंड तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड ओके सो देखिए ये प्रॉपर्टीज आपने कर ली तो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम चुटकी बजाते आप सॉल्व कर सकते हैं ओके ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इसी तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे थैंक यू